अरविंद जी, आपकी वाइफ की सूचना मिली है कि वो कहीं बाहर चली गई हैं। वो कहाँ गई हैं और क्या कुछ सूचना आपके पास है? मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है, क्या चला, ये चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग उस पर। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसिंग को, सब। तो लाहौर क्या करने गई? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने गई है, क्लियर कट। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीजा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ किसी अपने मित्र से मिलने गई हैं वो। वो तो कल मेरे से मीडिया वालों से बात चली थी तो वो बता रहे थे, मेरे को तो इतनी कोई बात नहीं हुई है कि अपने मिस से मिलने गई है। हाँ, मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है उससे मिलने गई है, ये बात हुई थी मेरे। कोई नूरुल्ला नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, किससे मिलने गई है, कहाँ गई है। अरुण जी, ये बताइए कि कितने साल आपकी शादी को हो गए? करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर, 2007 से शादी। और कौन कौन है फैमिली में आप? आपके मेरे दो बच्चे हैं, वो है अभी साले और घरवाली उसको बुलाया था। तो ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करती हैं या नहीं? ऐसा तो मैं उनका फोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। हाँ, वर्किंग है, वो भी ड्यूटी जाती है, 8 से 8:30 की ड्यूटी है, 8 से 6 बजे तक होता है आने का इसका। आप क्या कारण मानते हैं कि आपकी वाइफ ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि वो देश छोड़ के दूसरे देश चली गई है, अनजान देश में? सर, ये तो मैं बता नहीं सकता, वो आएगी तो ही बताएगी कि क्या है स्टेप, क्या है। वो कह तो रही थी आऊंगी तो मैं बताऊंगी सारे कुछ। आपकी बात उनसे हो रही है? हाँ, नहीं, मेरे से तो नहीं हुई कि आऊंगी तो मैं बताऊंगी सारे कुछ, बच्चों से हुई होगी बात जो भी हो। चूंकि अभी एक मामला और गरमाया हुआ है, सीमा हैदर का, हमने देखा ये पता तो है मेरे को। क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरीके का मामला है? नहीं, उस तरह तो नहीं है, इसके पास तो पासपोर्ट और वीजा है। अगर इग्लैंड जाती तो कुछ और एरिया से जाती। लेकिन ये जनून तरीके से गई है? हाँ, जनून तरीके से गई है। अगर वो वैसा रहता तो दिक्कत होती। चूंकि जो सीमा हैदर है वो ये कहती है कि वो यहाँ पे सचिन से प्यार करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आएगी, 4 बच्चे भी उनके नाम साथ लेकर आई हैं, अलग गलत तरीके से आई हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी भी क्या शायद किसी प्यार के चक्कर में उस तरफ गई है? अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी करता था तो कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, ये मेरे को तो पता है। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि वहाँ एक शख्स हैं, वो टीचर हैं, और उनसे मुलाकात काफ़ी लंबे से, मतलब बातचीत काफ़ी लंबे से होती थी और उनसे मिलने गई हैं वहाँ, ये मेरे को नहीं पता है सर, मेरे को तो कल पता है सारा चीज़। तो आप दोनों की अगर मैं संबंधों की बात करूँ तो क्या नॉर्मल थे संबंध आप? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा तो बच्चों के लेके, काम के लेके यही होता है। मिलजुल के काम करते हैं किचन में, कपड़े भी धोते हैं, शनिवार संडे को अपना साफ सफाई करते हैं, कोई मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, हमारा वही दिन मिलता था, ऐसी कोई बात नहीं। आमतौर पे जो व्यवहार रहता था आपकी धर्मपत्नी का, वो किस तरीके का रहता था? नहीं, व्यवहार तो सही है उसका, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपको ये पता चला कि आपकी पत्नी के आपकी बात हुई और उन्होंने बोला कि अपने परिवार जन को भी उन्होंने बता दिया है? हाँ, ये बोली। आपकी अपने परिवार जन से बात हुई, उनके परिवार जनों से, तो उनका क्या रिएक्शन था, इस पर क्या कहना है? मैंने फिर दोबारा फोन किया, मैंने खुद किया फोन मांग के, मेरा तो फोन टूट गया है, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या, बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीजा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीजा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो, थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लूँ बलस्सी से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ वॉइस कॉलिंग में। फिर वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। आप ये बात हुई थी क्या उनकी बातों लग रही थी परेशान है वो कुछ ऐसा कुछ? परेशानी की तो मेरे से कोई बात नहीं थी,
ना ना हंस के बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। हाँ अनवर अली जब आपके उनके परिवार वालों से बात हुई, उन्होंने बता दिया सबको यहाँ पर उनके माता पिता को, उनका क्या कहना था, कुछ आपसे बातचीत हुई? उनके माता पिताजी से तो मेरी बात ही नहीं होती उतना, सही बताऊं मैं बात किसी से करता ही नहीं ज्यादा। हमारे चाचा है ना सगे, उनको भी नहीं फोन करता मैं, रियल मेरा ये कमी है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि किसी भी रिलेशन में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप लोगों के बीच बातचीत कम होती थी या उनके? नहीं बातचीत तो हमारा डेली देखो डिटेल तो फोन पे बात होती है हर चीज के, भाई बच्चों को कैसे करना है क्या है किसिया है ये तो फोन पे हमारी बात होती है। कंपनी जाता हूँ माने सर जाता हूँ तो भी बात होती है हमारा, किसी बंदे को लगाना है कोई है आईटीआई ये सब हमारी बात होती रहती है। हाँ तो अचानक से इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया, क्या मानते हैं आपकी क्या कारण हो सकता है? अब कारण तो मैं नहीं बता सकता सर क्या कारण है, अब वो आएगी तो वही बताएगी कारण, मैं तो नहीं बताता। ये उन्होंने बोला कि वापस आएंगी? वापस आने की तो बोली है वो मेरे से, कुछ दिन पहले बोली थी मंडे को आऊंगी मैं, अब मंडे के बाद कह रही थी कल पूछा मंडे को आना है ना, वो बोली कि एक दो दिन में आ जाऊंगी एक दो दिन में आ जाऊंगी। क्योंकि अरविंद जी उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया है और वो अगर वापस आती हैं तो क्या आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे? बच्चे बताएंगे बच्चों को, जब ये पता चला कि मदर ऐसे चली गई है तो बच्चों को क्या रिएक्शन था? बच्चों को तो ये लड़की कह रही बैग वैग बाहर रख दूंगी। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। आपके पास कोई सूचना उचना लेने आई थी? अभी तो मेरे को क्या पता कौन, कल आई थी एक आई थी उन्हीं वही सामने जो थी सारी बात विचार हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ वापिस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि? हाँ लेकिन आप पर्सनली आपसे पूछू क्योंकि आप लंबा साथ उनके साथ बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है क्या आप उसको आगे किस तरह देखते हैं? तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यही पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई, मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ मत करो यहीं आओ यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 पे, तो इनके हो गए थे, फिर मैं लाया बच्चों को 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था फिर भी लाया, मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक हो जाए। क्या अरविंद जी कभी पहले भी ऐसा हुआ कि वो बिना बताए चली गई हो या किसी रिश्तेदार के चली गई हो? ना 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 बता के जाती है, बता के गई है, जिस गई है तो फरीदाबाद ही गई है, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा पहली बार कि इतना बड़ा स्टेप उठा लिया था। हाँ अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीजा लगवा लूं, ये भी हो सकता है। क्या कोई आपको शक भी लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसमें या किसी ने कुछ जालसाजी कर दी उनके साथ या फंसा लिया हो किसी ने कुछ ऐसा? अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता, वो अभी मीडिया पे मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपको डर लगा कि पाकिस्तान तो चली गई है? हाँ मेरे को डर लगा, मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है यहाँ कुछ कच हो जाएगा फिर। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जल्द से वापस आए? मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करूंगा। आपके परिवार का क्या कहना है इस पर, जो आपके माता पिता हैं या? मेरे मामी पापा तो हैं। और जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे कोई बातचीत हुई? मेरे पापा जी से बात हुई थी बस वही उन्हीं से। उनका क्या कहना है कि? उन्होंने बोला मरने दे तुम बच्चों को देखो। क्योंकि अरविंद जी ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आप लोगों के साथ हो गया है और आगे के लिए आपने क्या सोचा है? अभी तो आगे के लिए नहीं, अभी यही दिमाग में है बस इंतजार है उसका, इंडिया में आ जाए अपना बच्चे कह रहे हैं वो बोल दो अलग रहे अपना। अगर वो इनकेस अगर नहीं आती हैं यहाँ पर वापस, अगर वो वहीं रहना चाहती हैं तो तब आप क्या करेंगे?
मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कहेंगे आएंगी तो अपनी मर्जी से ही आएंगी, मैं उसमें दबाव नहीं दे रहा हूँ। तो उसके लिए बोला था जयपुर थी, मैंने भाई आ जाओ जो पकड़ लो, इतनी छुट्टियां हो रही हैं। क्योंकि अरविंद जी वो झूठ बोल के आपसे गई, जयपुर कहती गई थी और एक दूसरे अनजान देश में चली गई है, आपको धोखा भी कहीं ना कहीं उन्होंने किया आपके साथ? ये धोखा ही है जो बिना बताए चली गई। बच्चे जैसा फैसला लेंगे आप वो मानेंगे? बच्चे भी लेंगे, इनके मम्मी पापा को भी बुलाऊंगा, सब एक साथ बैठ के बात करेंगे, फैसला उनके भी तो होना चाहिए उनके अंडर में कि क्या हुआ क्या नहीं, इतनी बात तो इनको भी तो पता चल गई, क्योंकि एड्रेस वहाँ का भी है, उन्होंने डाल रखा है, यहाँ का भी डाल रखा है, वहाँ भी पहुँच गई है मीडिया। आपकी बात कल रात हुई लास्ट में? हाँ बात हो गई। अगर अभी आप उनको कॉल करेंगे तो क्या बात हो पाएगी? अब उनके उठाने के ऊपर है, उससे तो कह रही थी, मैं रात को किया था 2:30 बजे के आसपास, फोन नहीं उठाई। आप भारत सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे या कोई अपील करना चाहेंगे कि जो भी कुछ हुआ है अभी लेकर आया जाए? या सर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए, मैं खुद टेंशन में, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। नहीं, आप ये सरकार से कहना चाहेंगे कि हाँ आना चाहिए, मैं सरकार से यही बोलूंगा आना चाहिए, अगर गलत काम से गई है तो उसका वो बात अलग है, अगर बीजा के साथ गई तो आना चाहिए, सरकार से यही अपील करूंगा। क्या लोगों ने इसमें कार्रवाई की है या कुछ जानकारी मिल पाई है? एज सच इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें मीडिया से पता लगा था, जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो ये जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है, 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कॉन्टेक्ट में थी फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में, और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है, और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है, बस ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। क्या सर आप लोगों ने कुछ डिसीजन किया है, कुछ ऐसी जानकारी? एज सच जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर कर लिया है या फ्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। क्योंकि सर आपकी एक टीम उनके घर पर भी गई थी, तो क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है अगर बता सकते? ऐसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला जो उस जो लेडी है जो पाकिस्तान चली गई है उससे उसके जो फैमिली मेम्बर का बात हुआ उसमें वो बताई जो वो आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, बस ऐसे घूमने टाइप गई है, तो हमारे पास तो बस यही इन्फॉर्मेशन है, उनके फैमिली मेम्बर भी हमें कोई कंप्लेन इस तरह का दिया नहीं है। चूँकि सर एक मामला और देश में इस वक्त बड़ा गर्म हो रखा है, सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से लड़की आई है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी उसी तरीके का मामला हो सकता है कि ये जो अंजू हैं वो क्रॉस ओवर करके गई हैं, क्या प्रेम प्रसंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है, जैसी जानकारी आपको मिल पा रही हो या कुछ सूचना? क्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है, बट इसमें कुछ इससे ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा, हम जब इन्वेस्टिगेट पूरे फैक्ट्स को ले आते हैं तब अप्रोप्रिएट होगा जो इसमें क्या मामला है। परिवार की तरफ से कोई इसमें आपको कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं मिली है? नहीं, परिवार की तरफ से हमें कोई कंप्लेंट मिला नहीं है। आप लोग सर आगे की क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ फर्दर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? एज सच हमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है, तो हम कोई फॉर्मल वे में इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी जो हम अपने तरीके से जांच रख सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बट हमें कोई फॉर्मल, जब तक हमें कंप्लेंट नहीं आएगा तब तक हम कोई फॉर्मल वे में इंक्वायरी या कोई डॉक्यूमेंट किसी से लेना वो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सर चूँकि आप सर कानून के जानकार भी हैं, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अगर जो अंजू है ये पाया जाता है कि या गलत तरीके से कागजात बना के गई हैं या कोई इलीगल तरीके से गई हैं, तो क्या सर हमारे देश में अगर वो वापस आ जाती हैं तो क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है? हाँ, वो जो डिफरेंट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है और भी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई होगा यदि कोई फॉल्स या फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो। हालांकि उनकी कल पति से बातचीत हुई तो उनको कहता है कि मैं पूरे कागजात के साथ आई हूँ, और ऐसी जानकारी भी मीडिया में आ रही है कि वहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट भी किया है कि हाँ ये जो कागजात हैं इनके जेन्युइन हैं, क्या ऐसी जानकारी?
इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, वो तो क्लेम कर रही है जो उसके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, बट जब हम अपने साइड से ये जब तक वेरीफाई नहीं कर ले जो भी डॉक्यूमेंट उसने यूज़ किया है क्रॉस ओवर करने के लिए वो ऑथेंटिक है, तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते इस पे। सर एक आखिरी सवाल, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है धर्मांतरण की या धर्म परिवर्तन की, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि जो लड़कियां उनको पहले पकड़ाया जाता है, या जैसे आईसिस की हम बात करें कि पहले तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या कुछ उस एंगल से भी आप लोग जाँच कर रहे हैं? ऑब्वियसली जब जांच होगा तब सारे एंगल से होगा, बट इसमें किस तरह का क्या कॉन्स्पिरेसी है क्या है नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं।